बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक दशहरा देश भर में पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने भी देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी। हालांकि शमी का ये बधाई संदेश कट्टरपंथियों को रास नहीं आया और वो उन्हें ट्रोल करने लगे। मोहम्मद शमी ने बुधवार को सोशल मीडिया पर भगवान राम द्वारा रावण का वध करते हुए एक तस्वीर डाली जिस पर लिखा था हैप्पी दशहरा। तस्वीर के साथ ही उन्होंने ट्वीट किया, लिखा, दशहरे के शुभ अवसर पर मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान राम आपके जीवन को ढेर सारी समृद्धि, सफलता और खुशियों से भर दें। आपको और आपके परिवार को दशहरे की शुभकामनाएं। मोहम्मद शमी ने जैसे ही दशहरे की बधाई दी, कट्टरपंथी उन पर टूट पड़े। उन्होंने शमी को ट्रोल करना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, कई कट्टरपंथी तो उन्हें इस्लाम समझाने लगे और मुस्लिम होने के गुण बताने लगे। अकील भट्टी नाम के ट्विटर हैंडल ने लिखा, शर्म आनी चाहिए शमी, क्या तुम मुस्लिम हो? एक ट्विटर यूजर ने तो हद कर दी। इब्न ए अहमद नाम के ट्विटर हैंडल ने शमी द्वारा दशहरा की बधाई देने पर कटाक्ष करते हुए लिख दिया, टीम में नहीं लेंगे भाई। आपको बता दें कि मोहम्मद शमी लंबे समय से भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं है। हसन मंजूर नाम के एक ट्विटर हैंडल ने भी लिखा, ये जानते हुए कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, एक मुस्लिम होने के नाते आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अमन मिर्जा नाम के एक और ट्विटर हैंडल ने लिखा, मरने के बाद दोबारा उठाया भी जाना है, कब्र कयामत सब भूल बैठे हैं, अल्लाह हिदायत। देश बदल रहा है, देश की तस्वीर बदल रही है और लोगों की सोच भी बदल रही है। इसीलिए अब उम्मीद है कि कट्टरपंथी भी बदलते वक्त के साथ अपनी सोच जरूर बदलेंगे।